for the people around me, but for me. And I honestly believe that if we think about that, could be for 15 minutes, 20 minutes, could be anything. You could run, you could walk, you could play badminton, you could swim. Any physical activity for yourself is something that is very, very important. And you know, my journey actually with Show Movement Rindo began when we were looking for the best talent that we have in the country when it comes to another fitness breed. I think an absolute awesome combination, someone who believes in what he does, and people who believe that we should impart that knowledge, and genuine imparting of knowledge without any corruption or without misuse of products that happen today. The youth are obsessed with, I need to take this to grow like this, I need to take nothing, mom's cooking is the best, understand your food, that's about it. So once again, congratulations and thank you. हमेशा से मेरे साथ आई थिंक पिछले दो तीन साल से जुड़े हुए हैं यू नो मेरे सर्विस के साथ टाटा स्काई फिटनेस पर. और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो माइंड ओवर बॉडी डेफिनेटली है. जितनी हमें हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उतनी हमें मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. और मेरा मानना है कि एक सेशन करने के बाद जब इंसान बाहर निकलता है सडनली उसे एक नई सी एनर्जी आ जाती है उसकी ज़िंदगी में और उसके जहन में. तो आई थिंक ये फंक्शनल ट्रेनिंग और शिफ्ट फिट का जो प्रोग्राम है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्राम है. मेरा मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अगर आपको अपने लाइफ पे कंट्रोल करना है तो पहले नींद की बहुत ज़रूरी होती है. तो नींद आपको तब आएगी जब आप नींद की गोलियां लेंगे तब नहीं, जब आप एक्सरसाइज करोगे तब, और जब आपका इंटरनेट जब बंद होगा. मेरा यही बोलना है कि कंप्यूटर से निकलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे जब दुनिया के सामने आते तो उनको पता नहीं चलता कि मैं कैसे बिहेव करूं, क्योंकि उनकी दुनिया है लाइक्स डिसलाइक्स ट्रोलिंग. चलिए बच्चे लेज़ी हो रहे हैं, लेकिन बच्चों में इतनी खुन्नस कहाँ से आई मुझे समझ में नहीं आता. क्यों इतनी गाली गलोच हेट्रेड, क्यों ना हम सबको सबसे सीख कर उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते. आई थिंक ये बदलाव लाना चाहिए, और ये बदलाव तब आ सकता है जब ये बाहर निकलेंगे, किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होंगे. हार क्या होती है, जीत क्या होती है, उसे वो महसूस करेंगे, तब ये बदलाव उनमें आएगा.